आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली रेसिपी जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम के करीब भिंडी, जिसे पहले से ही धुल के सुखा लिया था मैंने। भिंडी के ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को इस तरीके से निकाल देंगे और बीच में एक कट लगा देंगे इस तरीके से। भिंडी में सारी भिंडी को इसी तरीके से हम काट लेंगे और फिर इसका हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले में एक चम्मच धनिया पाउडर, ये आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डेढ़ चम्मच ये घर का बना हुआ मसाला है और थोड़ा सा चाट मसाला आधा चम्मच के करीब, और स्वाद अनुसार आप नमक इसमें डाल दीजिए, आधा नींबू, और मसाला सब कुछ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सरसों का तेल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मसाला जो है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आ जाता है, जिससे मसाला इधर उधर ज़्यादा बिखरता नहीं है और भिंडी में भरना आसान होता है मसाला को। इस तरीके से हम सारे भिंडी में मसाला को फिल कर देंगे और इसके बाद में हम भिंडी को फ्राई करेंगे। जो डेढ़ चम्मच मसाला मैंने इसमें डाला था उसे बताती हूँ मैंने कैसे बनाया था। खड़ा धनिया, सूखा लाल मिर्च, जीरा, सौंफ, मंगरेल डाल के मैंने उस मसाले को तैयार किया था, भून के पीस लिया था। पीस के रखती हूँ ताकि मैं ऐसे कोई सूखा सब्जी या ऐसा कुछ बनाती हूँ या ऐसा कोई भरुआ तो मैं उसमें ज़रूर डालती हूँ। भिंडी हम फिल कर चुके हैं और अब हम डालते हैं एक कढ़ाई में सरसों का तेल थोड़ा सा, और सरसों का तेल डालने के बाद सरसों का तेल गरम होने देंगे। गरम होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा राई, थोड़ा सा अजवाइन, और जब ये चटकने लगे तो इसमें हमने जो भिंडी फिल की थी उसे इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम ढक के एक मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसे चेक करेंगे। सारी भिंडी को इस तरीके से सेट कर देंगे ताकि तेल में सभी भिंडी रहे और अच्छे से पक जाए। ढक के हम इसे 2 मिनट के लिए पकाते हैं। अब चेक करते हैं भिंडी कि कैसे है। इस तरीके से बीच बीच में हम भिंडी को चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो भिंडी नीचे से जलने लगेगा। लगभग भिंडी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। जो थोड़ा सा बचा हुआ 1 चम्मच के करीब मसाला था मैंने इसी में डाल दिया है और इसे 30 सेकंड तक हम इसे ऐसे इस तरीके से स्लो आंच पे भून लेंगे। मसाला भुन जाएगा उसके बाद में रेडी है ये भिंडी खाने के लिए। बहुत टेस्टी बनती है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा बना।